आज का वरदान महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। संपूर्ण जगत से आसपास की आवाजों से मन बुद्धि को डिटैच करें और ध्यान केंद्रित करें भ्रुकुटी के मध्य अपने चेतन ज्योति बिंदु स्वरूप पर। मैं ही वो शक्ति हूं जो इस जड़ देह को चेतन बनाती हो। मुझसे ही जीवन है। मैं ही इस कर्म क्षेत्र पर कर्म इंद्रियों द्वारा प्रत्येक कर्म करती हूं। महसूस करें और स्मृति में लाएं, मैं आत्मा अपने इसी सत्य स्वरूप में पवित्र स्वरूप में अपने अनादि देश से पांच हजार वर्ष पूर्व इस सृष्टि की आदि में सतयुग में पंच तत्वों की इस दुनिया में अवतरित हुई थी। तब से लेकर आज दिन तक मैंने सतयुग से त्रेता त्रेता से द्वापर द्वापर से कलयुग और अब संगम युग तक चौरासी जन्म लिए हैं। हर जन्म के अलग संस्कार अलग स्वभाव और उसी अनुरूप अलग फीचर्स जो मेरे भीतर ड्रामा के रिकॉर्ड की तरह नूंधे हुए हैं। सतयुग और त्रेता युग में मेरे संस्कार दिव्य थे, श्रेष्ठ थे, पवित्र थे, पर द्वापर युग के आरंभ से लेकर कलयुग अंत तक
देहभान के कारण, देह अहंकार के कारण बाह्य दुनिया व परिस्थितियों के प्रभाव के कारण मैं आत्मा कमजोर होती गई। बुरी आदतें, विकृत भावनाएं, विकारों का प्रभाव इतना गहरा समाता गया जो आज अभी संगम युग पर जब मैं उन संस्कारों के गहरे प्रभाव को समूल विनाश करना चाहते हो, कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना चाहते हो, पापों को विकर्मों को विनाश करना चाहते हो, तो न चाहते भी बार बार किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। महसूस करें मन की गहराई में ज्ञान के तीसरे नेत्र से अंदर छिपे विकारों के अंश और वंश को चेक करें और एक बाबा की एकाग्रचित याद से इन संस्कारों का संस्कार कर दें, स्मृति में लाएं, अपने अनादि संस्कारों को अपने आदि स्वरूप को अपने वास्तविक अस्तित्व को और ईश्वरीय मदद को बाबा के साथ को उनकी श्रीमत के हाथ को न्यारे हो जाएं इन पुराने पराए संस्कारों से, क्योंकि ये मेरे नहीं है, ये रावण के हैं। इस पुरानी दुनिया के हैं, मैं तो मायापति विघ्न विनाशक सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान हूं। मैं माया जीत हूं,